नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, अयोध्या कंटोनमेंट बोर्ड यानी अयोध्या छावनी परिषद में नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। अगर आपका ड्रीम है डिफेंस सेक्टर में जॉब करने के लिए तो ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया गाइस। तो आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, हम फाइनली आ गए हैं जो अयोध्या छावनी परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे ITI कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है और 10वीं 12वीं कैंडिडेट के लिए भी मौका दिया गया है। इसमें ITI के कौन से ट्रेड अप्लाई करेंगे इसका पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहीं पर ही नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस में ये नोटिफिकेशन अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो ये रहा आपका ये शॉर्ट नोटिफिकेशन, जो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय छावनी परिषद अयोध्या की तरफ से निकाला गया है, जिसमें ये आपकी नोटिफिकेशन जो पब्लिश की गई थी 2 जनवरी 2023 को पब्लिश किया गया था। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है और ये आपकी जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में होता है वहाँ पर ही पब्लिश किया गया है। यदि आपको देखने को मिले, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को मौका दिया गया जो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए निकाला गया। जैसे आपके असिस्टेंट टीचर के लिए निकाली गई है, यहाँ पर आप बैचलर डिग्री होना चाहिए, प्लस आपके पास स्टेट लेवल टेट और या सेंट्रल लेवल CTET होना चाहिए, प्राइमरी लेवल, तो यहाँ पर निकाला गया है। और इसके बाद आपके पास BEd BTC वगैरह है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज की बात करूँ तो यहाँ पर 21 से 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और ये जनरल के लिए यहाँ पर 21 और यहाँ पर OBC कैंडिडेट के लिए 33 एज रखा गया। जो आपकी पे मैट्रिक यहाँ पर बताया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी पे मैट्रिक जो होगी 9,300 से 34,842 ग्रेड पेपर लेवल 6 की आपकी नौकरी है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 3 वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और ये आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई। यहाँ पर 2 पोस्ट पर वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 30 ईयर रखा गया है और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 21 से 35 ईयर रखा गया है। और यहाँ पर भी जो जनरल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर 21 से 30 रखा गया है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही इस क्राइटेरिया रखा गया था जो 21 से 30 और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, या आपकी जो पे लेवल होगी वो पे लेवल 3 है और यहाँ पर ग्रेड पे जो है 2000 की ग्रेड पे पर आपकी नौकरी है। यहाँ पर इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, प्लस आपके पास इंग्लिश एंड हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी टाइप इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए और आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका जो सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट के माध्यम से होगा। इसके बाद यहाँ पर लाइनमैन के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई, 1 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर जो आपके सिलेक्शन देखने को मिलेगा वो भी आपके रिटर्न टेस्ट के हिसाब से होगी। यहाँ पर भी एज 21 से 30 ईयर के लिए रखा गया है और यहाँ पर आपकी पे लेवल जो होगी लेवल 2 की होगी। यहाँ पर 1900 ग्रेड पे की नौकरी है और यहाँ पर जो ITI पास होना चाहिए, प्लस आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट प्लस ITI होना चाहिए। NCVT अथवा SCVT दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और पंप मोटर पंप अटेंडेंट के लिए निकाली गई, यहाँ पर 1 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है और इसमें भी आपके पास जो एज होना चाहिए वो 21 से 33 ईयर जनरल कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट 21 और OBC के लिए 33 ईयर रखा गया है। और यहाँ पर जो पे लेवल है वो भी लेवल 2 की है, यानी टेक्नीशियन ग्रेड के लिए है। 1900 ग्रेड पे की नौकरी है, यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए और रिटर्न टेस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर ड्रेसर के लिए निकाली गई, 1 पोस्ट की वैकेंसी है, यहाँ पर जनरल के लिए 21 और वो यहाँ पर निकाला गया 21 से 30 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी लेवल 1 की नौकरी है 1800 ग्रेड पे की और यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके ड्रेसर से, ITI होना चाहिए, आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ड्रेसर से रिलेटेड होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन आपका जो होगा वो रिटर्न टेस्ट के हिसाब से होने वाला है और ये आपका फॉर्म जो स्टार्टिंग होगा यहाँ पर वो 17/1/2023 से स्टार्ट होगा, जिसका लास्ट डेट यहाँ पर 16/2/2023 रखा गया है। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ये अयोध्या कंटेनमेंट बोर्ड की तरफ से निकाला गया है। अभी ये
जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आता है तो आपको इसको इस पर पूरी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। अभी क्वालिफिकेशन और के बारे में बता दिया गया और क्या ये सब शॉर्ट नोटिफिकेशन और कहाँ पर पोस्टिंग होगी ये सब पूरा डिटेल जब आपकी शॉर्ट डिटेल वाला नोटिफिकेशन आपकी पब्लिश होगी तभी इस पर आपको डिक्लेयर हो जाएगा। धन्यवाद, कीप एंड टच। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो बेचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपके हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का भी चैनल का लिंक दिया गया, आप वहाँ से भी इसको नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, कीप एंड टच।